आप बैठते हैं पढ़ाई करने और चलाते हैं फोन, सोते हैं कि चलो कल से पढ़ाई कर लूंगा। यही करते करते सिर्फ आप अपने आप को नहीं अपने सपने को भी बर्बाद करते हैं। और एक दिन ऐसा होता है, नहीं आपका कल आता है और नहीं आपका वो पल जिसके पल के लिए आपने अपने काम को कल पे टाला था। मैं गलत नहीं कह रहा, लेकिन जिंदगी की हर एक स्टूडेंट की यही सच्चाई है कि पढ़ाई से ज़्यादा उन्हें वो काम प्यारे हैं जिनका कोई मतलब नहीं, जिनका कोई सेंस नहीं बनता, जिनकी ना तो कोई वैल्यू है और ना ही कोई रेपुटेशन। उस तरह के काम जो बेफजूल के हैं, उस तरह की चीज़ें जिसका कोई मतलब नहीं। आज ऐसे ही आपको एक सफ़र पर लेके चलता हूँ जहाँ पे आप जानेंगे कि आपकी डेली रूटीन आपको कितना इफेक्ट करती है। इसलिए बेहतर ही है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि आई एम श्योर इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप जिंदगी में एक बेहतरीन बदलाव महसूस करेंगे। कहते हैं इंसान जैसा सोता है वैसा बन जाता है, और जैसा करता है वैसा आपका बिहेवियर, उसका फ्यूचर और उसका आने वाला कल वैसा ही हो जाता है। मतलब आपसे जुड़ने वाली हर एक चीज़ और आपके द्वारा करी गई हर एक चीज़ आपका फ्यूचर बना रही है। आप जो कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, वहीं आपका कल बन रहा है। अगर आप आज दिन भर मेहनत करके अपने आप को बेहतर कामों में लगा रहे हैं, अपने आप को हर एक पल को जोड़ के अपना फ्यूचर बना रहे हैं, तो आई एम श्योर कि आपका कल अच्छा ही होगा। लेकिन आप क्या करते हैं? दिन का लगभग 90 से लगभग 95 या 99% आपका इस्तेमाल सिर्फ बेकार के कामों में चला जाता है। इसीलिए बेहतर यही है कि जिंदगी को सफ़र को ऐसे ना गवाया जाए, क्योंकि आज से ही कल है, कल से आपकी दुनिया। आपने एक बात सोची है कभी बैठ के कि अगर आपने आज को बर्बाद कर दिया तो आपका कल भी बर्बाद कर दिया, क्योंकि आप आज जो कर रहे हो वही आपका कल है। बेहतर यही है कि आप अपने सपने के बारे में सोचें। कहते हैं हर एक सफलता की शुरुआत छोटे कामों से ही होती है, और हमेशा एक छोटी चीज़ की शुरुआत आपकी सोच से होती है। लेकिन बात तो तब बने ना जब आप कुछ सोचो। आप तो कुछ सोचने को भी तैयार नहीं, आपने बस ये बात मान ली है कि हाँ ये करना है, लेकिन कैसे करना है उसकी ना तो कोई तैयारी है और ना ही कोई प्लानिंग। भला इस तरह से ज़िंदगी कैसे चलेगी मेरे दोस्त? इसलिए बेहतर यही है कि चीज़ों को छोड़ के वो ये जिनका कोई मतलब नहीं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं, जिनका कहीं अता पता नहीं, वो बेकार के काम जो आप डेली और हर पल करते रहते हैं, उन्हें आप छोड़ दिए तो बेहतर है। इसीलिए आज से ही अभी बैठें और अपने आप को सोचें कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, इन कामों का क्या मतलब है, और मैंने अपने समय को जो बर्बाद किया इसका कोई फ़ायदा भी होने वाला है बस ऐसे ही है। जब आप अपने आप से सवाल करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा इस बात का कि आपने ज़िंदगी में कितने पल को बेकार में बर्बाद कर दिया। इसलिए मेरे दोस्त, आपने कहावत तो सुनी होगी ना कि यहाँ पे कोई किसी का नहीं होता। ये बात सच है उतनी ही जितना कि आप इस बात को मानते हैं। लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि आप सब कुछ जानने के बावजूद भी कुछ समझने को तैयार ही नहीं होते। आप सच सब कुछ जानते हैं लेकिन करते कुछ भी नहीं है। इसीलिए बेहतर यही है कि आप अपने हालात को, अपने वक्त को बदलने की कोशिश करी जाए। एकांत बैठ के सोचें कि आपका क्या सपना है, आपका गोल क्या है, आपके एम्बिशन क्या है, आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। जब आप बैठ के आराम से डीपली इन बातों में सोचेंगे तो आपको ये बात रियलाइज होगी कि ज़िंदगी में असल में इन कामों का क्या मतलब है, क्योंकि ये सफ़र अकेला ही है और इस सफ़र के ज़िम्मेदार आप ही होंगे। आपके साथ अच्छा हो या बुरा, आप हारो या जीतो, इस बात से दुनिया कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक चीज़ से हमेशा फ़र्क पड़ता है कि आपका कल कैसा होगा। लोग शायद भले ही आपके असफलता में आपको संभालने आए या ना आए, लेकिन जब आप फेल हो जाते हो तो आपको ताने मारने जरूर आते हैं। जब आप अपने आगे के फ्यूचर में 10 साल 20 साल बाद जब आपकी कोई वैल्यू नहीं, कोई रेपुटेशन नहीं होगी, तब लोग आपको वहीं ताने मारेंगे कि तुमने ऐसा ज़िंदगी में किया क्या है। इसलिए बातें बड़ी बड़ी नहीं है, बातें सच है जो आपको जाननी चाहिए, समझनी चाहिए। आप इस वीडियो के बाद इस बारे में ज़रूर सोचें कि असल में अपने समय का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, क्योंकि यही आपकी वैल्यू और आपकी रेपुटेशन बनाएगा। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ, आज से कल है और कल से आपकी दुनिया, और ये सब आपके हाथ में ही है। Thank you.